नेहरू युवा केंद्र की स्थापना 1987 और 88 में की गई, युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त कर करके उनके बौद्धिक विकास को और शारीरिक विकास को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया। नेहरू युवा केंद्र आज देश के बहुत सारे हिस्सों में काम करती है, लेकिन हमारे क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे नेहरू युवा केंद्र का कोई क्लब बना ही नहीं है। हमने इस संबंध में प्रेमलता जी जो नेहरू युवा केंद्र की अधिकारी हैं उनसे वार्ता किया और वार्ता कर करके इस संबंध में हमने जानकारी लिया। तो एनवाईके का काम क्या क्या है? जैसे एनवाईके का मतलब वो होता है गांव में जो युवाओं होते हैं उनको जैसे खेल कूद में आगे बढ़ना हो और गांव में ही वो खेल कर रह जाते हैं, उनको स्रोत नहीं मिलता है कि हम कैसे गांव से बाहर निकले, उनके लिए मतलब हम लोग गांव में क्लब बनाते हैं जिसके द्वारा वो गांव से बाहर निकले और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो गेम पर जाते हैं। तो अगर कोई क्लब बनाना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? सर उसके लिए पहले तो मतलब कम से कम 12 लोगों का होना जरूरी है, जिसमें से अध्यक्ष और सचिव, उप सचिव सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं उसमें, और उसमें जो भी हो उनको ये रहना चाहिए कि उनमें सबको खेल का जो भी हो खेल में रहना आगे रहना चाहिए, संगीत वगैरह में हो जिसमें वो आगे रह सके, और उसमें जो क्लब के माध्यम से है कि कोई काम आया उसको करने के लिए वो एक्टिव हो सके। तो अभी है केशवर बीघा है, गाजीपुर है, करवा है, और भी क्लब बनाने हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा? सर उसके लिए कम से कम 12 बच्चे को जमा करना पड़ेगा और उनकी एज कम से कम 15 से 29 साल के बीच में होनी चाहिए। हमने उसके बाद क्षेत्र के बच्चों से बात किया और उनकी समस्या को जानने की कोशिश की। तो क्या नेहरू युवा केंद्र में आप लोग का कोई क्लब है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हो जाएगा तो अच्छे है, कोई अभी हम लोग का ऐसा सूचने नहीं मिला है जो हम इस सब क्लब में जुड़ने का, कोई बच्चा लोग नहीं जुड़ा है। आप लोग कौन कौन सा गेम खेलते हैं? ऐसे तो ज्यादा फोकस क्रिकेट पे है, दौड़ है, दौड़ते हैं मॉर्निंग में, ये सब है खेल, तो इसे क्रिकेट खेलते हैं ज्यादा। तो हमने दौड़ते फड़ते हैं, लेकिन सर ये क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं कि भारत सरकार के नेहरू युवा क्लब के द्वारा कुछ हमने को प्रावधान नहीं मिल रहा है जो लेकिन आगे हमने बढ़े, आगे ब्लॉक लेवल पर जाएं, जिला लेवल पर जाएं, बिहार लेवल, स्टेट पर जाएं, देश लेवल पर जाएं। हम चाह रहे हैं सर कि हम भी नेहरू युवा क्लब में रजिस्टर्ड हो जाएं। मेरा गांव केशवर बीघा है, पंचायत खजूरी है, ब्लॉक करपी है, जिला अरवल है। तो इससे क्या फायदा होगा? इस फायदा है कि सर खेल कूद होगा, एक खेल कूद में हवा आएगा, लेकिन आगे के लिए हम जिला स्तर पर जाएंगे, बिहार लेवल जाएंगे। हम इस समस्या के समाधान के लिए अरवल नेहरू युवा केंद्र पहुंचे और वहां के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया। और यहां पे एक वीडियो हमने दिखाया, हम एक वीडियो बना भी रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खेलते तो हैं मगर उनका क्लब नहीं है, तो इसके लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा? युवा क्लब गठन जो है नेहरू युवा केंद्र का प्रत्येक गाँव में लक्ष्य है, प्रत्येक गांव में युवा क्लब का गठन किया जाना है और उसकी प्रक्रिया यह है कि एक युवा क्लब गठन का प्रपत्र है जो गांव में ले जाना होगा और गांव में एक बैठक करके जिसमें सभी जाति धर्म वर्ग के लोग शामिल हों और एक संयुक्त रूप से युवा क्लब का गठन किया जाए। हमने अधिकारियों के मार्गदर्शन में पचकेसर, केशवर बीघा, गाजीपुर का क्लब तो बना दिया, लेकिन अभी भी करवा, तेरा, बंडोपुर, देकुली आदि गांवों के बच्चों को क्लब बनने का इंतजार है। लगभग इस क्षेत्र के 200 से अधिक नौजवान बच्चे और बच्चियां खास तौर से खेल में रुचि रखती हैं और अलग अलग खेलों में जाती हैं और वह प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से इनकी जो प्रतिभा है अपने क्षेत्र में ही सीमित रह जाती है। खास तौर से देखा यह भी जाता है कि बच्चों का तो ग्रुप बन जाता है लेकिन बच्चियों का कोई क्लब, कोई ग्रुप नहीं होता है जिससे उनकी प्रगति रुक जाती है। हम लोग बहुत अच्छा पेंटिंग बनाते हैं, हम लोग घर ही पर पेंटिंग बनाते हैं, हम लोग का कोई क्लब नहीं है, हम लोग भी चाहते हैं कोई क्लब हो कि उसमें हम लोग प्रतियोगिता करें। हम चाहते हैं कि बच्चे और बच्चियों दोनों का ग्रुप बने जिससे दोनों
लोगों का विकास हो। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एसएम जफर, जिला अरवल, राज्य बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।